3 साल लगे मेरे को बॉडी बनाने के लिए, वो कैरेक्टर समझने के लिए मुझे, बिकॉज वो फिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म थी। सिमरन सिंह, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू द टीम, बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है। थैंक यू। आपसे मेरा एक सवाल बनता है, सिंस दिस इज योर फर्स्ट फिल्म आउटसाइड एसकेएम, एंड यू नो एज एन एक्टर एक ग्रोथ की बहुत जरूरत होती है, जो कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं, जब हम वी आर वर्किंग विद द टीम, वी आर वर्किंग विद द क्रू, कहीं ना कहीं हम थोड़े से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। Somewhere on you might be a spoiled also, थोड़ा सा तरह कि हम भी वैसे हैं। So हम मतलब ऐसा कि काफी वक्त लगाया आपने to come out of that zone। जी। तो ये आपका conscious decision था कि आपको कुछ और भी फिल्में ऑफर हुई थी, but you are not ready कि हाँ यही project के साथ जाने उससे पहले आप नहीं थे। What was it exactly? Sir, my story, you know, I always call my journey the industry. I've been 5 years in the industry and मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी journey बहुत painfully slow है, but मुझे बहुत मजा आता है journey में। क्योंकि मैं अपने हर फिल्म के साथ बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाता हूँ। लवयात्री के बाद मुझे जब पता था मुझे अंतिम करनी है, तो दैट टुक 3 इयर्स फॉर मी टू प्रिपेयर। 3 साल लगे मेरे को बॉडी बनाने के लिए, वो कैरेक्टर समझने के लिए मुझे, बिकॉज वो फिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म थी। और उसी टाइम के दरमियान सर और मैं रुस्तान को डिस्कस कर रहे थे, एंड फॉर मी इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक जब आपको आपकी फैमिली के बाहर काम मिलता है, एंड यू हैव टू, एज यू राइटली सेड, कि मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, और सीखते सीखते रुस्तान बनी है। और मेरे को लगता है कि जितना भी मैं स्पॉइल्ड था, उतना राधामोहन सर ने और करण सर ने मेरे को ठीक कर दिया। उन्होंने -6 में जब मुझे बेयर चेस्टेड खड़ा किया था, सारा स्पॉइल्ड ब्रेड बाहर निकल गया था सर, कोई चांस ही नहीं था स्पॉइल होने का। बट यू नो ऑनेस्टली सर, इट इज़ नॉट अबाउट द इंटेंशन, पहले से ना फैमिली का ना मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम सिर्फ घर में ही फिल्म करेंगे। मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत हंग्री हूँ, मुझे जितनी अच्छी फिल्में मिलेंगी मैं करना चाहूँगा, पैशनेटली करना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी प्रोडक्शन का हो, किसी के साथ भी हो, आई वुड लव टू वर्क। मेरी जर्नी भी शुरू हुई है, और आई डोंट थिंक सो कि मैं उस लिबर्टी में हूँ कि मैं सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ। आई रियलाइज वन थिंग विद रुस्लान, दैट जब आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अब अपने प्रोटेक्शन से बाहर निकलते हैं, तो रिस्क होता है, बट रिस्क के साथ एक्सपीरियंस भी होता है। एंड आई थिंक आई एम रेडी टू गो आउट देयर, एंड आई वॉज रेडी फ्रॉम लवयात्री, बट हाउ माई करियर पैंड आउट एंड हाउ द फिल्म्स वर प्लान्ड, it was taking time, but now that I'm here, it is not a conscious decision, it is, I would say, I'm grateful that Mr. Radhamohan sir chose me for this film, and I hope that I get more films outside, I keep working outside, and whenever SKF does ask me to do a film back with them, it will be an honor to go back to SKF and work with them as well. Thank you. उस घर के कंफर्ट जोन में पूरी दुनिया आके काम करना चाहती है, बस ये बताना चाहता हूँ। वही तो कमाल की बात है, मैं बस घूम के यूटर्न मार के आऊंगा।